गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो इथोलॉजी में, यानी कि व्यवहारिकी में अपन उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने उसकी हिस्ट्री में अरस्तु और चार्ल्स डार्विन, इन दोनों के द्वारा जो लिखी हुई बुक्स थी उनके बारे में स्टडी की थी। ऐसे ही कॉनराड लॉरेंस थे, ऑस्कर हेनरोथ थे, निकोटीन बर्जन, एबिन घोस, और लास्ट में अपन ने किया था पावलो, जो फिजियोलॉजी के सापेक्ष उन्होंने बिहेवियर को उन्होंने समझाया था। और जो विकासी अवधारणाएं थी एनिमल्स की, वो तीन अवधारणाएं अपन ने उनके एग्जांपल लिए थे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का था एक, तो जो दी थी डार्विन ने, और दूसरी थी कंपरेटिव मेथड जो दी थी जॉर्ज डेन ने, और थर्ड थी थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, यानी जो आनुवंशिकी है और जो वंशागति है वो थ्योरी जो दी थी आर ए फिशर ने। तो उनकी अपन ने लास्ट या प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी। उससे ही आगे अपना एक टॉपिक है, डिफिकल्टीज इन स्टडिंग ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी कि क्या क्या अपन को दिक्कतें आती है एनिमल्स के बिहेवियर को पढ़ने में, स्टडी करने में। तो आज का टॉपिक ये रहेगा अपना, छोटा ही है। इसमें ये बताना है अपन को, जैसे मान लेते हैं अपन किसी एनिमल, छोटा हो सकता है एनिमल, बड़ा हो सकता है, उनकी अपन स्टडी करें, तो उनका जो व्यवहार उनका जो व्यवहार है वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, इन सभी का अपन अनुमान लगाएं, इनका अनुवाद करें कि उन्होंने क्या देखा है, क्या सुंगा है, क्या महसूस किया है, तो ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी बहुत कठिनाइयाँ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई छोटा सा एनिमल है, छोटा सा इंसेक्ट है, अब उसने ऐसा क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या सुंगा कि वो 2-3 किलोमीटर दूर था और वहाँ से उड़कर यहाँ पे स्पेशली आया, बहुत सारे इंसेक्ट्स आए। जैसे इस टाइम बारिश के टाइम बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं रात को अपने लाइट के नीचे, बल्ब के नीचे, तो उन्होंने कुछ महसूस ही किया है तभी तो वो इतनी दूर उड़कर उस लाइट के नीचे आए। तो ये तो एग्जांपल लिया है अपन ने कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके बिहेवियर को अपन कैसे स्टडी करेंगे, उन्होंने क्या देखा है, क्या सुंगा है, क्या महसूस किया है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। अब जैसे जो एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स की बात कर ले अपन, बर्ड्स को जो इन वनस्पतियों के, इन प्लांट्स के जो कलर दिखाई देते हैं कि कैसे कलर है, अपन को दिखता है कि जो प्लांट्स हैं नॉर्मली ग्रीन होते हैं, क्या इन बर्ड्स के लिए भी सारे प्लांट्स ग्रीन ही होते हैं क्या? तो ये एक संशय है, क्या बर्ड्स के लिए भी ये सेम चीज़ है ह्यूमन के लिए जैसे होती है, सेम ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि जो इनसे बर्ड्स होते हैं ये जो स्पेशल टाइप की रेज होती है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, उनको देख सकते हैं लेकिन अपन नहीं देख सकते। तो कहने का मतलब यही है कि अपन को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एनिमल्स की बिहेवियर की स्टडी में। तो जो टॉपिक था अपना डिफिकल्टीज इन स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, ये था अपना छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अपनी जो इथोलॉजी है, जो व्यवहार की है, उसका अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हिस्ट्री भी अपन ने देख ली है, उसके बाद आएगी कॉन्सेप्ट्स या अवधारणाएं, किसको समझने के लिए, व्यवहार को या बिहेवियर को समझने के लिए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट्स
ऑफ इथोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी, हिंदी में बोले तो व्यवहारिकी की अवधारणाएं। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है वो है स्थाई क्रिया क्रम, स्थाई क्रिया क्रम इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न शॉर्ट में बोलते हैं FAP। क्या बोलेंगे? फैप, FAP, स्थाई क्रियाक्रम, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न शॉर्ट में फैप। क्रियाक्रम वो नहीं, लास्ट में इंसान मर जाता है तो उसको ले जाके क्रियाक्रम करते, वो नहीं है, एक स्पेशल वर्क करने से है, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना, मोस्टली आपके एग्जाम में यही पूछी जाती है फैप, कि स्थाई क्रियाक्रम या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ध्यान देना, सबसे पहले डेफिनेशन, वह सहज अर्थात जन्मजात। यहां पे देखना आप, स्थाई यानी कि फिक्स है पहले से, क्या फिक्स है? क्रियाक्रम, कर्म करने का जो सीक्वेंस है वो फिक्स है पहले से, यानी कि फिक्स वही होगा जो जन्मजात होगा, ठीक है। तो अपन डेफिनेशन क्या बनाएंगे, वह सहज अर्थात जन्मजात। अपन सहज को या जन्मजात को क्या बोलते हैं? इननेट या इनबॉर्न। आपने BSc सेकेंड ईयर में पेपर नंबर थर्ड पढ़ा था इम्यूनोलॉजी, वहां पे अपन ने जन्मजात इम्यूनिटी थी, उपार्जित प्रकार की प्रतिरक्षा थी, तो सेम वही बात है, जो जन्मजात मिली थी प्रतिरक्षा अपने, वो जन्म से ही थी, वो अपने उपार्जित नहीं करनी पड़ी थी। सेम वही है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ क्रम ऐसे होते हैं अपने अंदर जो जन्म से ही अपने को मिलते हैं। तो डेफिनेशन में चलते हैं वापस, वह सहज अर्थात जन्मजात बिहेवियर जो स्पीसीज स्पेसिफिक, जाति विशिष्ट में फिक्स, वापस रिपीट कर रहा हूं, वह सहज अर्थात जन्मजात बिहेवियर जो स्पीसीज स्पेसिफिक में फिक्स्ड एवं रूड प्रकार की, स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक एंड स्पीसीज स्पेसिफिक में फिक्स्ड एवं, मैंने क्या बोला था आगे, रूड प्रकार। रूड प्रकार को अपन इंग्लिश में बोलेंगे स्टीरोटाइप, स्टीरोटाइप। वह सहज अर्थात जन्मजात बिहेवियर, इननेट या इनबोर्न बिहेवियर जो स्पीसीज स्पेसिफिक में फिक्स्ड एवं रूड प्रकार, स्टीरोटाइप, मोटर एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज यानी कि प्रेरक क्रियाएं या चालक क्रियाएं, चालक क्रियाएं। अब ध्यान से समझना, डेफिनेशन कंप्लीट होने वाली है, वह सहज अर्थात जन्मजात, वह इननेट या इनबॉर्न बिहेवियर जो स्पीसीज स्पेसिफिक में फिक्स्ड एवं रूड प्रकार, स्टीरोटाइप, मोटर एक्टिविटीज या चालक क्रियाओं का क्रम होता है, जो चालक क्रियाएं होती है, जो प्रेरक क्रियाएं होती है, उनका क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो स्थाई क्रियाक्रम या फेप कहलाता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, वह सहज अर्थात जन्मजात व्यवहार
जो जाति विशेष में स्थायी एवं रूढ़ प्रकार की चालक क्रियाओं या प्रेरक क्रियाओं का क्रम होता है, स्थायी क्रियाक्रम या फैप कहलाता है। क्लियर है? अतः इस प्रकार किसी एनिमल में, अतः इस प्रकार कोई भी एनिमल है तो उसमें पहले से ही जो व्यवहार है उसमें मौजूद है, तो अपन ये बोलेंगे अतः इस प्रकार कोई किसी एनिमल में किसी पूर्व ज्ञान के बिना, अनुभव के बिना, ये ऐसे जो एनिमल्स होते हैं अपने बिहेवियर को कंप्लीट शो करते हैं। यानी कि ऐसे एनिमल जैसे अपन है, अपन को जन्म से ही कुछ ऐसे लक्षण मिले हैं, कुछ क्रम मिले हैं जिन्हें अपन बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के भी आसानी से कर सकते हैं, उनके एग्जांपल्स भी आएंगे सामने। तो अपन इसमें आगे डेफिनेशन के आगे ये लिखेंगे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने पूर्व ज्ञान के बिना या अनुभव के बिना ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, निष्पादित करते हैं। ऐसे जो लक्षण है, जो क्रम है, वो जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, ये अपन को पहले से पता है। और एक जो वर्ड आया है अपने रूट प्रकार का, स्टीरियोटाइप, रूट प्रकार का बिहेवियर, उसी बिहेवियर को बोलेंगे जो बार बार एक ही सीक्वेंस में रिपीट किया जाए, वो कहलाएगा रूट प्रकार या स्टीरियोटाइप। बार बार कौन कौन से बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि वो एनिमल कौन सा है। अब एग्जाम्पल्स में चलते हैं तो देखना, इंसेक्ट्स में अपन ने देखा है कि इंसेक्ट्स में स्पेशली सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, सामाजिक संगठन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, इनमें अपन ने देखा है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या आपने ये नोट किया है कि जैसे मान लो कि एक जो मधुमक्खियों की स्पीसीज या छत्ता है, उससे जो अगला छत्ता बनेगा उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिले ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो जीन है कंट्रोल करने वाला, ये उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थायी क्रम है, जो फैप है, वो उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। तभी तो अपन इसे बोल रहे हैं जन्मजात, जन्म से ही मिला है, ये किसी पूर्व अनुभव के प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि जो वर्कर बीज हैं उन्होंने पहले सीखा नहीं है इसको, वो जन्म से ही मिला है उनको कि आपको छत्ते की साफ सफाई करनी है, आपको शहद बनाना है, आपको क्वीन बी का ध्यान रखना है, उनको फूड देना है, ये उनको जन्म से ही मिला है जीन्स के माध्यम से। तो एक तो अपना एग्जाम्पल हो गया इसमें इंसेक्ट्स में सोशल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन ह्यूमंस का, क्लियरली समझ में आएगा अपने ह्यूमंस का। ह्यूमंस में अपन ने ये चीज़ नोट की है कि ह्यूमंस के जो चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, वो रेंग कर चलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। अब क्या अपन को उनको सिखाते हैं कि अपन की आप जन्म लेते ही रोना स्टार्ट कर दो या फिर थोड़े दिन बाद रेंग कर चलना स्टार्ट कर दो? वो अपने आप करते हैं क्योंकि जीन्स मिले हैं उनको, जो उन जीन्स इन बिहेवियर को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दो एग्जाम्पल हो गए अपने पास, एक तो इंसेक्ट्स में सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं उनका हंसना, रोना, रेंग कर चलना। ऐसा ही अपन एग्जांपल लें अपने ही रूम में, अभी दीपावली आने वाली है तो अपन जाले वाले हटाते हैं कमरों के, मकान में, तो जो स्पाइडर है उसका जन्मजात बिहेवियर क्या है? जाले बुनना, वेब का बुनना। क्या आपने देखा है कि कोई स्पाइडर ऐसी है, मकड़ी ऐसी है जो जाले नहीं बुन रही? नहीं, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती है क्योंकि उनको शिकार करना है, अपना फूड ग्रहण करना है वेब बनाकर। तो उनका एक जन्मजात या इननेट बिहेवियर है जाले का बुनना। तो अपने तीन एग्जांपल हो चुके हैं, इंसेक्ट्स में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पाइडर का जाल का या जाले का बुनना, वेब का बुनना, और ह्यूमंस में बच्चों का रेंग कर चलना, हंसना, रोना। ये सभी जो एग्जाम्पल लिए हैं ये सहज व्यवहार या इननेट बिहेवियर के एग्जाम्पल है या फेप के एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन ताकि और क्लियर समझ में आए। अपन ने ये चीज़ नोट की है स्पेशली बारिश के सीजन में या रिप्रोडक्टिव सीजन में, अपन सभी मोर को जानते हैं,
मोर को जानते हैं, मोरने को जानते हैं, तो अपन ने कई बार मोर को डांस करते हुए भी देखा है। मोर डांस क्यों करता है? स्पेशली बारिश आने वाली है तब करता है, या स्पेशली मोरने को रिझाने के लिए करता है रिप्रोडक्टिव सीजन में। तो मोर का उस टाइम रिप्रोडक्टिव सीजन में मोरने को रिझाने के लिए डांस करना भी एक फेप का ही एग्जाम्पल है। वो उसका जो बिहेवियर है उस टाइम का, वो भी उसको जीन्स के माध्यम से ही जन्म से मिला है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। आपने नाम सुना है, सभी ने देखा है, अपन सभी देखते हैं क्योंकि अपन सभी विलेज से बिलोंग करते हैं। दर्जी चिड़िया का नाम सुना होगा आपने, टेलर बर्ड, दर्जी चिड़िया। अभी इसी टाइम में जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है, उसी टाइम जो भैया होती है, जो टेलर बर्ड होती है, वो हार्ड स्ट्रक्चर वाले घोंसले बनाती है पेड़ की टहनियों से लटकते हुए। आपने नोट किए होंगे ये चीज़ कि जो खेजड़ी होती है अपनी, या जो स्पेशली अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उन पर छोटी सी चिड़िया होती है जो टेलर बर्ड बोलते हैं, वो एक घोंसला बनाती है। बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होती है, आप चाहे उस देख लेना, खेतों में मिल जाएंगे आपको। उसकी बनावट अगर अपन देखें अंदर से बाहर से, तो उतनी हार्ड होती है कि अपन बना नहीं सकते उसे। जो उसमें ये लक्षण है, जो बिहेवियर है कि नेस्ट बनाने का, एक हार्ड स्ट्रक्चर का नेस्ट बनाने का, वो उसने सीखा नहीं है। वो लक्षण उनमें या जो व्यवहार है उनमें, उन्हें जन्मजात मिला है जीन्स के माध्यम से। तो टेलर बर्ड का अपन इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि टेलर बर्ड हार्ड स्ट्रक्चर वाले नेस्ट बनाती है, जो एक सहज प्रकार के या स्थाई क्रियाक्रम का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, समझ में भी अच्छे अच्छे आएंगे। अरे इथोलॉजी बहुत ही अच्छी है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो पूरी की पूरी ऐसी समझ में आ जाएगी। अपन सभी गिलहरी को जानते हैं, सभी जानते हैं, आजकल मरती भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी के सामने आ जाती है, मर जाती है। तो गिलहरी पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि जैसे ही गिलहरी के बच्चे हुए, उन बच्चों को उनके नेस्ट से निकालकर अलग ही एक सीमेंट से बने हुए पिंजरे में पाला गया। पाला गया तो धीरे धीरे बड़े भी होते गए। अब उनको उस टाइम खाने के लिए मूंगफली जो है, ग्राउंडनट जिसे बोलते हैं, पीनट भी बोलते हैं, इनका फेवरेट फूड होती है। मूंगफली गिलहरियों का फेवरेट फूड होती है। जैसे अपना सभी का फेवरेट है मिठाइयाँ, खिला दो खूब खा लेंगे आराम से, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ऐसे ही उनके लिए जो मूंगफली है गिलहरियों के लिए सबसे अच्छा फूड है। तो जो गिलहरी होती है उनकी आदत क्या होती है, हैबिट क्या होती है, जो या जो इनका जो बिहेवियर है मूंगफली के प्रति, वो ये होता है कि मान लो कि अपर इनको मूंगफली खाने को दे एक साथ, मान लो कि बहुत सारी, इतनी सारी अपन ने दे दी, तो ये कुछ मूंगफली तो खाएगी और जो बचेगी उसको जमीन को खोदकर दबा देगी। ऐसा इनमें बिहेवियर पाया जाता है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उस टाइम उनका पेट भर जाता है और वो ये सोच के उनको खोदकर अंदर जमीन में दबा देती है क्योंकि मेरे को ये बाद में भी खानी है। तो ये उनमें एक जन्मजात, उनमें एक बिहेवियर है। तो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था अपना, वो ये था कि अपन ने नेस्ट से गिलहरी के बच्चे निकालकर उनको एक सीमेंट से बने हुए जो फर्श है उस पिंजरे में डाल के उनको पाला है, और उनको स्टार्टिंग में खाने के लिए मूंगफली नहीं दी। जैसे ही वो बड़े हुए तो उनको मूंगफली खाने को लिए दी गई बहुत सारी। तो उन गिलहरी के बच्चों ने क्या किया, अब बड़े हो गए, गिलहरी बन गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मूंगफली तो उन्होंने खाई बड़े चाव से, और बाकी की जो बची हुई मूंगफली थी उसको सीमेंट को, फर्श को खोदने की जो प्रोसेस है उन्होंने दिखाई कि इनको मैं खोद कर इनको अंदर दबा दूं। तो उस एक्सपेरिमेंट से अपन को यही पता चलता है कि इनमें मूंगफली को, एक्स्ट्रा जो मूंगफली है उसको खोद कर जमीन में दबाने का एक व्यवहार है जो इन्हें जन्मजात ही मिला है, इन्होंने सीखा नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया है अपन ने। तो अगर जन्मजात नहीं होता तो ये उसको सीमेंट के फर्श को खोदकर दबाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि जो गिलहरी है उसमें भी जो मूंगफली है उसको खोदकर जमीन में दबाने का एक व्यवहार होता है जो
फेप का या स्थायी क्रियाक्रम का ही एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो जितने भी मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ये सभी के सभी आपको नोट्स में भी नोट करना है। सबसे पहला लिया अपन ने इंसेक्ट्स में सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, फिर लिया स्पाइडर में जाले का बुनना, फिर ह्यूमंस में बच्चों का रोना, रेंकर जलना, हंसना, फिर लिया अपन ने मोर मोरनी का, उसके बाद लिया अपन ने टेलर वर्ड का, फिर लिया अपने गिलहरी का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने नाम सुना होगा गूज, एक पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में आया था, हिस्ट्री में आया था इसका, ग्रे लेग गूज। ग्रे लेग गूज एक बर्ड का नाम है, ग्रे लेग गूज। ये जो गूज नामक बर्ड है, ये अपने नेस्ट में, जैसे इसके नेस्ट में इसके एग्स रखे हुए हैं, ऐसे ये इसके ऊपर बैठा है, तो ये नोट करता है हर चीज। जैसे मान लो कि बाय चांस कुछ आंधी या तूफान आया, तो इसके एग्स या इस नेस्ट से निकलकर नीचे लुढ़क कर ऐसे लुढ़कते हुए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये जो ग्रे लेग गूज बर्ड है, ये नेस्ट में बैठा बैठा ये चीज़ नोट करता रहता है कि जो मेरे एग्स हैं ये लुढ़क कर किस क्रम में लुढ़कते हुए गए हैं। तो ये जो बर्ड है ये उन एग्स को उसी क्रम में लुढ़काते हुए, अब हाथ तो है नहीं, किससे लुढ़काएगा, चोंच से, बीक से लुढ़काएगा, तो वापस उसी क्रम में, ऐसे वापस उसी क्रम में अपनी चोंच इसके अंदर डालकर उसको लुढ़काते हुए उसी क्रम में वापस इस नेस्ट के अंदर लेकर जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये भी फेप का ही एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि इस बर्ड ने, अगर मान लो कि ये सीखता तो कोई बर्ड ध्यान ही नहीं देता। पहले बात, अधिकतर बर्ड अपन ने देखे हैं कि उनके नेस्ट से एक गिर जाते हैं तो वो चिल्लाने के अलावा या चहचहाट करने के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन इसी बर्ड का एग्जाम्पल मैंने स्पेशली इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें जन्मजात ऐसा व्यवहार है। अगर इसके जो अंडे हैं, एग्स हैं, ये उसके नेस्ट से लुढ़क जाते हैं तो ये उन्हें उसी क्रम में वापस लुढ़काते हुए अपने नेस्ट में लाकर स्थापित कर देता है। तो ये कुछ मोस्ट मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल्स बताए हैं जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रियाक्रम की कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत अधिक हेल्पफुल है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो फेप की कॉन्सेप्ट है, या जो स्थायी क्रियाक्रम है, या जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, यह सहज अर्थात जन्मजात व्यवहार है जो किसी स्पेशल स्पीसीज में स्थायी एवं रूट प्रकार की प्रेरक क्रियाओं या चालक क्रियाओं का एक क्रम होता है। क्या कहलाएगा? फेप कहलाएगा। अगर आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप अपने मन से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये थी आज अपने फेप की कॉन्सेप्ट जो इथोलॉजी को या व्यवहार को समझाने में बहुत ही बेस्ट साबित हुई है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे जिसका नाम है SS, शॉर्ट में लिया है मैंने SS, साइन स्टिमुलीज या चिन्ह है उद्दीपन। यह है सेकंड नंबर की कॉन्सेप्ट जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।